वेलकम टू माय चैनल सी टू ई कॉम्पिटिशन टू एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप माय गवर्नमेंट की अपनी आईडी को कैसे अपडेट कर सकते हैं। माय गोव की वेबसाइट में बहुत सारे कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्टेस्ट जीत भी जाते हैं लेकिन अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती तो आप उसमें डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, या फिर आपसे कम्युनिकेशन न होने के कारण आप विनर्स होने से चूक सकते हैं। तो इसलिए आप बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रोफाइल को, अपने आईडी को अपडेटेड रखें। तो इस वीडियो में हम लोग आपको सारे कुछ बताएंगे कि आप अपने प्रोफाइल पिक्चर, अपने नेम, अपने पासवर्ड, अपने फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, इवन अपने एड्रेस को कैसे चेंज कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप कैसे हटा भी सकते हैं और नई इन्फॉर्मेशन को उसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ आप समझ जाइएगा, बस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। हम कॉम्पिटिशन और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले माय गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चलेंगे। यहाँ पर माय गवर्नमेंट की वेबसाइट मैंने खोल लिया है, आप देख सकते हैं। टॉप राइट पे आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा, वहाँ से जा करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए अपना आईडी पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर में अपना आईडी शो होगा अपने नेम के साथ, वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप देखिए एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाएगा। एडिट प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। एडिट प्रोफाइल पर जब आप जाइएगा तो वहाँ पे आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। कंट्री नेम, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना सिटी, अपना पिन कोड, एड्रेस वहाँ पे आपको शो होगा। अगर आप उसमें अपने एड्रेस में या फिर सिटी या स्टेट में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं और सेव पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपका चेंज हो जाएगा। नीचे में आप देख सकते हैं, साइड में आपको सारी ऑप्शंस मिल जाएगी। एडिट प्रोफाइल, अकाउंट सेटिंग्स, स्किल एंड इंटरेस्ट, अपडेट योर प्रोफाइल पिक्चर, अपडेट योर ईमेल आईडी, अपडेट योर मोबाइल नंबर, अपडेट योर पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे शो हो जाएंगी। एक एक करके हम लोग सब देखेंगे। तो सबसे पहले अकाउंट सेटिंग्स में चलते हैं। अकाउंट सेटिंग्स में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपने अकाउंट की लैंग्वेज को कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश तो बाय डिफॉल्ट होगा, लेकिन अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। स्किल्स एंड इंटरेस्ट में आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एरिया चूज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेट योर प्रोफाइल पिक्चर, तो हम लोग उस पर क्लिक करेंगे। जहाँ आपको अपडेट योर प्रोफाइल पिक्चर पे आप क्लिक कीजिएगा तो एक नया डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। मैनेज अकाउंट का जो पेज है वो ओपन होगा, वहाँ पे आपको माय प्रोफाइल का ऑप्शन शो होगा, अकाउंट सेटिंग्स का, अपडेट ईमेल आईडी, अपडेट मोबाइल नंबर का शो होगा, का ऑप्शन शो होगा। वहाँ पे माय प्रोफाइल पे आपको सारी आपकी जानकारी मिल जाएगी जो आपने पहले दी हुई होगी, लाइक आपका नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, हमें अकाउंट सेटिंग्स में जाना है। अकाउंट सेटिंग्स में आपको अपना फुल नेम, करेंट पासवर्ड, ईमेल आईडी सब कुछ शो हो जाएगा। यहाँ से आप अपने नेम को चेंज कर सकते हैं। नेम को चेंज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, अपने फुल नेम में जो भी आपका नेम है उसको इरेज करना है और न्यू नेम को अपना टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं यूट्यूब लिख करके सेव कर रही हूँ, मैंने यहाँ यूट्यूब लिखा और नीचे में आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली वहाँ पर सेव कर देना। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे आपका नेम चेंज हो जाएगा। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो करंट पासवर्ड पे आप अपना अभी वाला पासवर्ड डालिए और फिर नीचे में न्यू पासवर्ड डालिए और उसको कंफर्म पासवर्ड में फिर से एक बार डालिए और सेव कर दीजिए, तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। टाइम जोन चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज करना है वो कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी है तो वो भी कर सकते हैं, और प्रोफाइल पिक्चर नहीं डाली है तो उसे भी डाल सकते हैं। वहाँ पे आपको फाइल चूज करने का ऑप्शन आएगा। ध्यान रखिएगा कि जो फॉर्म है, फॉर्मेट है जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, जीआईएफ, ये सारे फॉर्मेट में होना चाहिए, और जो साइज है वो भी जो दिया हुआ है प्रिस्क्राइब वही साइज होना चाहिए। उसके बाद आप डाल करके उसको सेव कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ को भी आप चेंज कर सकते हैं और जेंडर की भी ऑप्शन आपको मिल जाएगी वहाँ। ये सारी चीज़ें, सारे इन्फॉर्मेशन को अपने आप चेंज कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें चेंज कर लेने के बाद अपडेट ईमेल आईडी पे चलते हैं। अपडेट ईमेल आईडी पे आप अपनी ईमेल आईडी को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा योर ईमेल आईडी इज दिस, वहाँ पे आपका जो भी पहले वाला ईमेल आईडी है अभी वाला वो शो हो जाएगा। वहाँ नीचे आपको अपडेट ईमेल आईडी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे।
वहां पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी नई ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन आएगा, वहां डाल करके आप अपडेट ईमेल पे क्लिक कीजिएगा, आपका ईमेल आईडी सेव हो जाएगी। अगर आपको वहां पे ऑप्शन अगर ऐसा कुछ आ रहा है कि आपकी ये ईमेल आईडी नहीं हो सकती क्योंकि वो ऑलरेडी टेकन है, जिसका मतलब आप समझ जाइए कि इस ईमेल आईडी पे अकाउंट बन चुका है, क्योंकि एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल फोन पे एक ही अकाउंट बन सकता है, तो इसीलिए आपको फिर दूसरी नई ईमेल आईडी देनी होगी। इसलिए आप हमेशा वही वाली ईमेल आईडी दें जो कि पहले से इस वेबसाइट पे यूज नहीं की गई हो। यहाँ पे आने के बाद अपडेट ईमेल कर दीजिएगा, आपका ईमेल चेंज हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग चलते हैं मोबाइल नंबर। अगर मोबाइल नंबर में आपको कोई चेंजेस करने हैं तो उसको आप कैसे कर सकते हैं? अपडेट मोबाइल नंबर पे आप जाइएगा तो आपका जो अभी वाला मोबाइल नंबर है वो शो हो रहा होगा। अपडेट नंबर का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे जाइएगा तो आपको मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, वहां पे आप जाकर के अपनी नई मोबाइल नंबर डालिए और अपडेट पे क्लिक कीजिए। आपको हो सकता है ओटीपी सेंड किया जाए, ओटीपी मिलने पे आप उस ओटीपी को इस पे ओटीपी को टाइप कीजिए जो कि आपको नए वाले मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा। वहां पे ओटीपी डालने के बाद आपका इन्फॉर्मेशन ले लिया जाएगा और सेव कर लिया जाएगा, तो इससे आप अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। एक और बात, साइड में आपको जो ऑप्शंस मिल रहे थे अपडेट योर प्रोफाइल पिक्चर ईमेल आईडी, अगर आपको वहां से डायरेक्ट जाना है तो वहां से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। वहां से जाने के बाद भी आपको इस तरह से प्लीज अपडेट योर पासवर्ड या फिर ईमेल आईडी का ऑप्शन, प्लीज अपडेट योर पासवर्ड, यहाँ पे हम लोग पासवर्ड पे चलते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली आपको प्लीज अपडेट योर पासवर्ड ऑप्शन आ रहा है, क्लिक है तो वहां पे आप क्लिक कीजिएगा और आपको सारे ऑप्शन वही प्रीवियस जो मैंने बताया वही सब चीजें वहां पर भी आपको करनी होंगी। तो यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि आप अपने कैसे अपनी सारी इंफॉर्मेशन को माई गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपडेट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते। कॉन्टेस्ट अलर्ट्स के लिए आप हमारे ब्लॉग को भी विजिट कर सकते हैं www.competitiontoeducation.blogspot.com पे, और नए नए कॉन्टेस्ट की जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को इसी तरह प्रमोट करते रहें फेसबुक और यूट्यूब पे। थैंक यू एंड टेक केयर।